वलसाड में फंसी गर्भवती महिला, एसडीआरएफ की टीम ने महिला को किया रेस्क्यू। मोरबी में बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर सवार कई लोग, 10 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बारिश ने थोड़ा गुजरात के अरावली में हुई 5 इंच बारिश, लोगों के घरों में हुआ जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। खरगोन में अफंती नदी में फंसी युवक के लिए एसडीआरएफ बनी मसीहा, युवक को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश बनी मुसीबत का सबब, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। खेड़ा में झमाझम बारिश, पिछले 4 घंटों में हुई 6 इंच बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव, सड़कें और गलियां हुई जलमग्न, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। घुटने तक भरे पानी में चलने को मजबूर हुए आम लोग, गाड़ियों की भी थमी रफ्तार। नर्मदा डैम का लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, डैम का अद्भुत नजारा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। साबरकांठा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में पानी भरने से खराब हुई फसलें। तिरुपति में भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने किए भगवान बालाजी के दर्शन, परिवार के साथ लिया भगवान का आशीर्वाद। झाबुआ में सफाई कर्मियों ने कचरे से बनाए कमाल के आर्टवर्क, कलाकृतियों के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन, विधि विधान से किया बाबा का पूजन। राजौरी में युवाओं ने अपनाया स्वरोजगार, फल मंडी में फलों की कर रहे बिक्री। चेन्नई में डीएमके इंजीनियरिंग टीम ने मुथमिज अग्निनार क्लेगनर का शताब्दी समारोह की आयोजित, कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री उदयनिधि स्टालिन। 25 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉट स्टार पर स्ट्रीम होने लगी हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया, ये फिल्म 7 जून 2024 को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस एमी जैक्सन ने अपने मंगेतर और अभिनेता एड वेस्टविक से रचाई शादी, एमी ने इन खास पलों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने 10 दिन में पार किया 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाए 361 करोड़ रुपए। फिल्म कल्कि पर अरशद वारसी के बयान से भड़के फिल्म के डायरेक्टर नाश अश्विन, कहा बोलने से पहले शब्दों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए लॉन्च की गई यूपीएस सरकार का हिस्सा बढ़कर 18.5% होने से सब्सक्राइबर को मिलेगी 19% ज्यादा रकम। भारत को अपनी कामकाजी आबादी महिला कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करके 40 करोड़ करने का सुझाव, 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी। अप्रैल जून तिमाही में भारत के विकास दर में कमी आने का ज्यादातर एक्सपर्ट्स का अनुमान, 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 6-7% ग्रोथ का जताया गया है अनुमान। सुरक्षा ग्रुप ने जेपी ग्रुप में 250 करोड़ का किया निवेश, 20,000 फ्लैट्स को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ का लोन जुटाने में भी सफलता हासिल की। शेयर बाजारों से बैन लगाने के सेबी के फैसले पर अनिल अंबानी कानूनी विकल्पों की समीक्षा में जुटे, रिलायंस होम फाइनेंस केस में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दे चुके थे इस्तीफा।
इस हफ्ते 3 मेन बोर्ड और 5 एसएमई समेत शेयर बाजार में 8 आईपीओज आएंगे। 30 अगस्त तक निवेशक मेन बोर्ड में कम से कम 14,500 रुपए से निवेश कर सकते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर तमाम तरह की मिठाइयों के बीच कान्हा जी के लिए विशेष केक भी बाजार में उपलब्ध। हलवाइयों और दुकानदारों ने व्रत के लिए बनाए खास केक और मिठाइयां। आरबीआई ने मई 2017 और मई 2020 के बीच जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले बुलाने की तारीखों का किया ऐलान। निवेशक 11 अक्टूबर 2024 से 7 फरवरी 2025 के बीच कर सकेंगे रिडीम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त तक सभी वेरिफाइड आईटीआर में से 73.71% को प्रोसेस किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 70% से ज्यादा लेन देन पूरा करने में 2023 के मुकाबले ज्यादा वक्त लगा। एफटीआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हर व्यापारी का 50% टर्नओवर ग्लोबल ट्रेड से आने पर दिया गया जोर। एफटीआई इंटरनेशनल काउंसिल के नए डायरेक्टर ने कहा ग्लोबल ट्रेड में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।